गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सहजानंद विद्यालय नवा नरोड़ा अहमदाबाद। आज हम कक्षा आठवीं विषय हिंदी का अभ्यास करेंगे। अगले तास में हमने इकाई दो ईदगाह के बारे में अभ्यास किया था। उनका जो बाकी का अभ्यास है वो हम आज करेंगे। अगले लेक्चर में हमने देखा था कि सभी लोग मस्जिद जाने की तैयारी करने में लगे हुए हैं। सबसे ज़्यादा बच्चे बहुत ही खुश थे। उनमें से एक बच्चा था जो था हामिद। उनके माता पिता मर गए थे। वो अपनी दादी के साथ रहता था। उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो मस्जिद जाके वहाँ से कुछ खरीद सके। इसकी चिंता उनकी दादी को बहुत ही थी। फिर भी वह हामिद को ईदगाह जाने को बोलती है। सभी लोग ईदगाह जाते हैं। इसके बाद हम आगे का अभ्यास करेंगे। सब चरखियों से उतरते हैं, खिलौने लेंगे। दुकानों की कतार लगी हुई है। सभी लोग चकडोल में से नीचे उतरते हैं और सभी लोग खिलौने लेंगे। इधर दुकानों की कतार लगी हुई है कि दुकानों की बहुत बड़ी लंबी लाइन लगी हुई है। तरह तरह के खिलौने हैं वहाँ पर। अलग अलग खिलौने रखे हुए हैं। सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, पिस्ती और दोबिन की वहाँ पर तरह तरह के खिलौने हैं। जैसे कि राजा और वकील, बिस्ती और धोबी जैसे। वाह, लगता है अब बोलना ही चाहते हैं। जैसे उनको देखकर लगता है कि वो कुछ बोलने चाहते हैं। महमूद सिपाही लेता है खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला। कंधे पर बंदूक रखे हुए मालूम होता है अभी कवायद किए चला आ रहा है कि महमूद एक सिपाही खरीदता है। और उनका जो वो कैसा लगता है वो इसमें बताया है कि उनकी वर्दी खाकी है, लाल पगड़ी वाला, उनके कंधे पर बंदूक रखी हुई है और जैसे ऐसा लगता है कि अभी वो परेड करने लगेगा। मोहसिन को बिस्ती पसंद आया कि मोहसिन को बिस्ती पसंद आया। कमर झुकी हुई, ऊपर मशक रखे हुए, मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए। मशक यानी कि पानी भरने की जो आती है वो पानी भरने का चमड़े का थैला। कितना प्रसन्न है, शायद कोई गीत गा रहा है कि वो मोहसिन इतना प्रसन्न था कि वो गीत गा रहा था। बस मशक में पानी उड़ेलना ही चाहता है कि वो सिर्फ मशक में पानी भरना चाहता है। नूरे को वकील से प्रेम है। नूरे को वकील अच्छे लगते हैं। काला चौगा नीचे सफ़ेद अचकन, अचकन के सामने ही जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए। मालूम होता है अभी किसी अदालत से जिरह या बहस किए चले आ रहे हैं। यहाँ पे मोहसिन, महमूद और नूरे ने क्या क्या खरीदा उनके बारे में एग्ज़ाम में आपको प्रश्न पूछा जाएगा। तो आपको आंसर में ऐसे जवाब लिखने हैं कि नूरे ने क्या खरीदा और वो कैसा लगता था। तो नूरे ने वकील को से प्रेम था तो उन्होंने क्या खरीदा, वकील। काला चौगा नीचे सफ़ेद अचकन, अचकन के सामने जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए। और ऐसा मालूम होता है जैसे कि वो अभी अदालत से कोई केस के बारे में बहस किए चले आ रहे हैं। ये सब दो दो पैसों के खिलौने हैं कि ये सभी दो दो पैसों के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल तीन पैसे हैं। हामिद के पास कुल तीन पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने कैसे लें कि इतने महंगे खिलौने वो कैसे लें। कहीं हाथ से पड़े तो चूर चूर हो जाएं।
जरा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए, ऐसे खिलौने किस काम के, उन्हें लेकर वह क्या करेगा? कि ये जो खिलौने हैं वो हाथ में से नीचे गिरे तो वे टूट जाए, और उन पर जरा सा भी पानी गिरे तो उनका रंग निकल जाता है। तो हामिद ऐसा सोचता है कि ऐसे खिलौने लेकर मैं क्या करूँगा। खिलौनों के बाद मिठाइयाँ आती हैं कि खिलौनों के बाद मिठाइयाँ आती हैं, किसी ने रेवड़ियाँ ली हैं, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। आप सभी लोग जानते हैं कि हम भी कहीं पर घूमने जाते हैं, कहीं त्यौहार में बाहर निकलते हैं तो हम भी ऐसी मस्ती करते हैं। तो खाना खाने के लिए सभी ने मिठाइयाँ ली है, रेवड़ियाँ, गुलाब जामुन और सोहन हलवा। मज़े से सभी लोग खा रहे हैं। हामिद बिरादरी से पृथक है। हामिद वहाँ से थोड़ा दूर खड़ा है। अभागे के पास 3 पैसे हैं कि कम नसीब से उनके पास 3 पैसे हैं। क्यों नहीं कुछ लेकर खाता, कि वो कुछ लेकर क्यों नहीं खाता। ललचाई आंखें सबकी ओर देखता है, कि ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है। जैसे आप सभी को भी अपने मम्मी पापा कुछ अगर नहीं देते तो हमें भी ऐसा लगता है कि दूसरे के पास है, हमारे पास नहीं है। ऐसा ललचाई भरी आंखों से हामिद भी सबकी ओर देखता है। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की हैं, कि मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की भी हैं, कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की, और कुछ जो नकली है गिलट करते हुए गहने हैं उनकी दुकानें भी हैं। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं है, कि लड़कों को इन सबसे कोई आकर्षण नहीं है, वे सब आगे बढ़ जाते हैं। वो सभी लोग आगे बढ़ते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है, किंतु हामिद जो है वो लोहे की दुकान पर वहाँ रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए हैं। उसे ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है। चिमटा यानी कि जिससे हम रोटी सेकते हैं, रोटी पकड़ने के लिए जिनका हम उपयोग करते हैं उनको चिमटा बुलाते हैं। तवे से रोटियां उतारती हैं तो हाथ जल जाते हैं, कि उनको याद आया कि दादी के पास चिमटा नहीं है। वो तवे से जब रोटियां उतारती है तो उनका हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे तो कितना प्रसन्न होगी, कि अगर जो वो चिमटा खरीद कर दादी को दे तो दादी बहुत ही प्रसन्न होगी। फिर उनकी उंगलियां कभी न जलेंगी और फिर उनकी उंगलियां भी कभी नहीं जलेगी। घर में एक काम की चीज़ हो जाएगी, कि घर में एक काम की चीज़ आ जाएगी। खिलौनों से लेकर क्या फ़ायदा। व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। जरा देर ही तो खुशी होती है, फिर तो खिलौनों की और कोई आँख उठाकर नहीं देखता। आँख उठाकर न देखना यानी कि बिल्कुल न देखना, यानी कि वो मन में समझता है कि खिलौने हमें थोड़ी देर की खुशी देते हैं और फिर उसकी तरफ कोई भी नहीं देखता। या फिर घर पहुंचते टूट फूट कर बर्बाद हो जाएंगे, या फिर जो खिलौने खरीदेगा तो घर पहुंचते तो वो टूट कर बर्बाद हो जाएंगे। चिमटा कितने काम की चीज है, कि वो जो चिमटा है वो कितने काम की चीज है। रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो, कोई आग मांगने आए तो चटपट चूल्हे से आग निकाल कर उसे दे दो। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाजार जाए, और इतने पैसे की कहाँ मिलते
है रोज हाथ जला लेती है, कि चिमटा इतना उपयोगी है कि रोटियों को तवे से उतार कर चूल्हे में सेक लेते हैं, उनके द्वारा कोई आग मांगने आए तो जो कोलसा होता है उनको पकड़ने के लिए भी चिमटा हमें उपयोगी है। अम्मा बेचारी फुर्सत नहीं मिलेगी और कहीं भी जाएगी नहीं, बाजार जाएं और इतने पैसे ही कहाँ मिलते हैं, रोज हाथ जला लेती है। हामिद के साथी आगे बढ़ गए हैं, सबिल पर सब शरबती पी रहे हैं, कि हामिद के जो सभी साथी हैं वो आगे बढ़ गए हैं, सबिल पर सभी लोग शरबत पी रहे हैं। देखो सब कितने लालची हैं, कि देखो सब कितने लालची है, इतनी मिठाइयाँ ली मुझे किसी ने एक भी न दी, कि इतनी सारी मिठाइयाँ ली भी किसी ने भी मुझे कुछ भी नहीं दिया। उस पर कहते हैं मेरे साथ चलो, और सभी कहते हैं कि मेरे साथ चलो, मेरा यह काम करो मेरा वह काम करो। अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा खाए मिठाइयाँ, आपका मुंह सड़ेगा, फोड़े फुसियाँ निकलेगी, आप ही जबान चटोरी हो जाएंगी, तब घर से पैसा चुराऊंगे और मार खाएंगे। हामिद बोलता है कि अभी कोई भी उनके सामने देखता नहीं है, सभी लोग लालची है, सभी ने मिठाइयाँ खाई फिर भी किसी ने उनको बुलाया तक नहीं। सभी लोग बोलते हैं कि मेरा यह काम करो मेरा वो काम करो, पर जो मुझे कोई काम करने को बोलेगा तो मैं उसको पूछूंगा कि आप सभी ने मिठाइयाँ खाई, तुम आप सभी के मुंह सड़ेंगे, फुल्ला फुसियाँ निकलेंगी, आपकी जीभ स्वाद विहोनी हो जाएंगी, चटोरी हो जाएंगी, यानी कि कुछ भी स्वाद आएगा नहीं, सभी लोग घर से पैसा चोरेंगे और मार खाएंगे। अम्मा चिमटा देकर मेरे हाथ से लेंगी और कहेंगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, और मैं जब चिमटा लेकर घर जाऊंगा तो मेरी अम्मा मेरे पास से चिमटा लेकर कहेंगी मेरा बच्चा चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है, इन लोगों के खिलौने पर कौन इन्हें दुआएं देगा, कि मेरी अम्मा कहेगी मुझे दुआएं देंगी कि मेरा बच्चा कितना अच्छा है कि जो मेरे लिए चिमटा लाया, और इन लोगों को कोई भी दुआएं मिलेंगी नहीं, क्योंकि उन्होंने क्या खरीदे हैं, खिलौने खरीदे हैं। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती हैं और तुरंत सुनी जाती है, कि बड़ों की जो दुआएं हैं वो सीधी अल्लाह के दरबार में पहुंचती हैं और तुरंत अल्लाह भी उन्हें सुन लेता है। मेरे पास पैसे नहीं हैं तो क्या मैं गरीब सही किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता, मेरे पास पैसे नहीं हैं तो क्या है मैं गरीब हूँ लेकिन मैं किसी के पास मांगने तो नहीं जाता हूँ, ऐसा हामिद सोचता है। उसने दुकानदार से पूछा यह चिमटा कितने का है, उसने दुकानदार को पूछा कि यह चिमटा कितने का है, 6 पैसे लगेंगे, उन्होंने बोला इनके 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया, यानी कि हामिद वो कीमत सुनकर निराश हो गया, फिर भी बोला ठीक ठीक बताओ, फिर भी वो बोला कि इनका कुछ ठीक ठीक बताओ, ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे। दुकानदार ने कहा कि इनके 5 पैसे लगेंगे, लेना है तो लो नहीं तो चलते बनो, तुम्हें लेना है तो लो वरना यहाँ से चले जाओ। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा कि हामिद ने अपना दिल मजबूत करके कहा 3 पैसे लोगे कि क्या उनके 30 पैसे लोगे, और वह आगे बढ़ गया ताकि दुकानदार की धुड़कियाँ न
सुने। ऐसा कहकर वह वहां से आगे निकल गया क्योंकि धुड़किया यानी कि डांट कि दुकानदार उन्हें डांटे नहीं। लेकिन दुकानदार ने धुड़किया नहीं दी, किंतु दुकानदार ने उन्हें डांटा नहीं, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है। फिर शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास गया कि हामिद ने चिमटा खरीदा, उनको अपने कंधे पर रखा बंदूक की तरह, और फिर शान से खुश होता होता अपने साथियों के पास गया, संगी यानी कि मित्रों के पास। अहीं आपणो आ पाठ अहीं सुधीनो राखीशुं, बाकीनो जे अधूरो छे ए नेक्स्ट लेक्चरमां भणीशुं। जय स्वामीनारायण।